वेलकम फ्रेंड्स, पीबीआर स्टडी की ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार यदुवंशी, आज आपको बताऊंगा भाग करने का बिल्कुल सभी तरीका। ठीक है, अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको भाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। भाग यानी कि जिसे इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, है ना, इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह पर होता है, लेकिन हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और हैरान रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके पास हो जाती है, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, एकदम शुरू से और एकदम अंत तक आपको बताएंगे, छोटे से और बड़े तक। तीन प्रकार के सवाल हमने आपके सामने अभी लिखा हुआ है, अभी और दिखाएंगे। एक तरह का ये भाग होता है जिनका भाग पूरी तरह से चला जाता है और वो कट के जीरो आ जाता है। जैसे दो का पहाड़ा पढ़ा तो दो दूना चार, ये देखिए घटा लिए तो जीरो हो गया। एक तरह का ये भाग होता है। इसी तरह का ये भी है, दो तिहाई छः। कृपया ध्यान दें, चाहे तो इस गिनती को हम ऊपर लिखें या यहाँ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सोच रहे होंगे उसमें वहां लिखा था, इसमें काहे इधर लिख दिया, ठीक है ना। ये भागफल है, कहीं भी लिखिए, चाहे इधर चाहे इधर। बारह का भाग करेंगे उसी तरह का, तो बारह दूना कितना बार जाएगा, 12 × 4 = 48, चार बार जाएगा ना ये, 12 × 4 = 48। ये चार लिखा है, दोनों तरह का बनता है, चाहे ऐसे बनाए चाहे वैसे बनाए। एक तरह का तो ये हो गया, आपने देखा है सभी जीरो जीरो हो गया, है ना। दूसरे प्रकार का ये भाग होता है, इसमें शेषफल बचता है। जैसे दो का पहाड़ा पढ़े 9 हो जाए, दो के पहाड़ा में कभी 9 नहीं आएगा, यानी 2 का टेबल पढ़ने पर 9 नहीं आएगा कभी, नेवर। तो कैसे करेंगे, इसका दो का पहाड़ा इतना पढ़ेंगे कि 9 के करीब आ जाए, उतना ना आए उसके आसपास तो आ सकता है। तो दो का पहाड़ा ऐसे देख लें एक उदाहरण के तौर पे, 2 × 4 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, ऐसे होता है ना। अब आप देखिए 9 के करीब कौन है, उससे ज्यादा ना हो कम रहे। देखिए 8 और 10, ये दोनों 9 के करीब हैं, लेकिन 10 जो है 9 से ज्यादा है, 8 कम है, तो 8 तक जाना चाहिए। मतलब कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 2 × 8 घटा लेंगे इसमें से एक आ गया। अब ध्यान दें, जो नीचे बचता है इसे शेष बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं भागफल, इसे इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, इसे रिमाइंडर बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं भाजक और इसे बोलते हैं भाज्य, ठीक है। इसे डिविडेंड बोलते हैं, इसे डिवाइजर बोलते हैं, ये हो गया। इसी तरह का ये भी होगा, 7 × 14 घटाएंगे तो 1 आएगा, 18 का पहाड़ा पढ़िए 109 में, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, इसको भी कर लें ऐसे 6 बार, 18 × 6 = 108, इसको भी घटा लीजिए 109 से 1 आएगा। ये हो गया दो तरह का सवाल। तीसरा तरह का सवाल देखिए, साइड में है आपके, उनमें थोड़ा सा अंतर है, बस बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। इस क्लास को आप लोग तुरंत लाइक कर दें, अभी गणित सिखाने की 100% गारंटी, बिल्कुल कक्षा 1 से शुरू करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, मैथ बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया अलग तरह का, 3 अंक का। अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले जितना अंक की संख्या से भाग देना है, जैसे 2 अंक की संख्या से भाग देना है, तो क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो भाई, फिर इसमें हम 2 अंक तक ले जाएंगे, ठीक है, कितने अंक तक, 2 अंक तक ले जाएंगे। तो ये 2 अंक, सॉरी माफ करिएगा, 1 अंक तक, 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 क्या है, 1 ही अंक है ना, 1 अंक मतलब जान रहे हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 4 कितना है, 1 अंक तो है 1, लेकिन अगर हमने लिख दिया 17, ये 2 अंक है, कैसे, देखिए 1 अंक ये, 1 अंक ये, समझ गए। तो उसी तरह से जो 2 है ये, तो ये 1 ही अंक है अकेला है, तो इसमें भाग हम अकेले 1 अंक में ले जाएंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि वो अंक जो इसके अंदर में है इससे छोटा ना हो, लेकिन यहाँ पे छोटा है, क्योंकि 2 बड़ा है, 1 क्या है, छोटा है। तो अगर छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में हम फिर 2 अंक में ले जाते हैं, ठीक है, 2 अंक में। तो 2 अंक में मतलब 17 में अब हम 2 का भाग ट्राई करेंगे, तो 2 के पहाड़ा में 17 है कि नहीं, 2 के पहाड़ा में 17 से कम बार जाए, यानी कि 17 से ज्यादा ना हो, उससे कम रहे। तो 2 × 4 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 14 = 2 × 8 = 16, है ना। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 18,
2 8 16, तो 8 बार जाएगा, 2 8 16, इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1, ओके। अब जो ऊपर 8 था, 8 को नीचे ला के लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि जो 1 बच रहा है शेषफल यानी कि रिमाइंडर, वो 2 से छोटा हो रहा है, इसलिए उसके बगल में जो पड़ोसी है उसको भी यहां लिख लेंगे। अब 2 का भाग फिर से ले जाएंगे उसमें, यहां कुल देखिए खत्म हो जा रहा था बट वो खत्म नहीं हुआ अभी, तो 2 9 ये 18 यानी कि 2 9 18 सब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 हो गया, इसका काम यहीं पे खत्म हो गया, क्लियर। उसी तरह का अगला सवाल है, 12 का टेबल पढ़ना है कि 5050 से ज्यादा ना हो। एक बात ध्यान दें, अगर आपको टेबल की नहीं आती तो टेबल की ट्रिक हम आपको बता देंगे, आप बिल्कुल 100 तक का टेबल याद कर लेंगे, कमेंट करिएगा, ठीक है। बहुत से लोगों ने काफी कमेंट किया है, हो सकता है अगली क्लास आपकी टेबल की हो जाए। तो 12 का पारा पढ़ेंगे, 48 से ज्यादा ना हो, 12 चौका 48, ये हो गया, क्लियर। सब्स्ट्रैक्ट कर लीजिए, 50 में से 48 गया 2 आएगा, बगल में 4 है इसको उतार लो, 12 2 24, देखिए सब 0 आ रहा है, मतलब 2 बार में कट जा रहा है, वैसे ये भी कट जाएगा। 17 2 34 घटाएंगे तो 3, ऊपर से 4 उतार लो भाई, तो 17 2 34। ये आपने 3 तरह के सवाल देख लिए। कुछ लोग यहाँ क्रॉस करते हैं, यहाँ पे वैसे 0 लिखना ज्यादा उचित होता है क्योंकि घटाया जाता है। हम आगे से हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और क्लास को लाइक कर दीजिए तुरंत, स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप कॉपी में नोट कर सकें। कृपया ध्यान दें, सभी लोग इन क्लासों को अपनी कॉपी पेपर में लेकर के लिखा करें, यहाँ कोई टीवी का शो नहीं होता है, ठीक है ना, कि आप लोग देखेंगे मजे लेंगे, ये मजे की क्लास नहीं है बाबू, समझेंगे ना, तो समझाने की गारंटी है। आगे देखते हैं, इस क्लास को शेयर अवश्य करिएगा, भूलिएगा नहीं, क्लास खत्म होने के बाद जरूर शेयर करेंगे आप लोग, तो हम आपको अगली क्लास देंगे। ध्यान दीजिए, अगला 3 तरह का भाग, ये तो आपने देख लिया, अब आगे देखते हैं। देखिए ये 4th, 5th, 6th प्रकार का भाग आपको दिखाते हैं, हर एक सवाल में अंतर है, हर एक टाइप में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, 6 का टेबल पढ़ना है, कितने में, आप देखिए 6 क्या है, एक ही डिजिट का है ना, एक अंक का है। अगर हमने कहा 67, ये 2 डिजिट का है क्योंकि इसमें देखिए 2 अंक है, 2 डिजिट, तो अगर ये 1 डिजिट का है तो इसमें हम जो भाग ले जाएंगे, इसमें चाहे 15 डिजिट हो या कितना भी हो उससे नहीं मतलब, केवल एक डिजिट में। लेकिन ध्यान दीजिए, दुर्भाग्य से यहाँ जो 1 डिजिट यानी 4 है वो छोटा है, किससे, 6 से। अगर छोटा है तो क्या करेगा, वो अपने पड़ोसी को या फिर अंकल जी को भी अपने साथ मिला लेगा, है ना, कोई अगर छोटा पड़ेगा या फिर किसी भी लड़ाई झगड़े में भाई अगर वो कमजोर पड़ रहा है तो क्या करेगा, कोई ना कोई सहायता लेगा, तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी को भी अपने साथ ले लेगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसका भाग इन दोनों में ले जाएंगे, 49 में, यानी कि 6 का मुकाबला आप कौन करेंगे, 49 दोनों। तो आपको क्या करना है, 6 का टेबल पढ़ना है, 49 से ज्यादा ना हो, एक कम हो सकता है, ज्यादा ना हो। तो आप देखिए 6 8 जा कितना होगा, 48 है ना, और 6 9 जा 54, ये होता है ना, 6 48 6 9 54 होता है, 6 2 60 और 6 7 42, ये आपका 6 का पहाड़ा बनता है। लेकिन ये 49 6 के पहाड़ा में कहीं नहीं आता है, नहीं आता ना, लेकिन 48 और 54 के बीच में आता है ना, यानी कि ये संभव है, कितनी बार, 8 बार जा सकता है, तो 6 8 48, 9 बार क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जब 9 बार ले जाएंगे तो यहाँ 54 आ जाएगा, अब 54 जो है 49 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए 9 बार नहीं जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 में से 8 गया तो 1 आया, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, क्या बचा, बस हो गया इतना खत्म। अब क्या करेंगे, आगे देखिए, अभी यहीं पर खेल खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 2 अंक तक हो गया, बाकी अभी 2 अंक बचे हैं, उनमें से एक एक को बारी बारी उतारेंगे। क्यों उतारेंगे, क्योंकि एक फिर से देखिए छोटा पड़ रहा है, एक छोटा पड़ रहा है, 6 जो है क्या है, बड़ा है ना, तो यहाँ से हम 9 को फिर से इसके साथ ले लेंगे। अब देखिए हमें टेबल पढ़ना है 6 का कि 19 से ज्यादा ना हो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 कितना होगा, 24। लेकिन ध्यान दें 24 जो है वो 19 से ज्यादा हो गया, हो गया ना, बट ये 18 नहीं ज्यादा है, इसका मतलब 3 बार जाएगा, 6 3 18, क्लियर। सब्ट्रैक्ट किया फिर 1 आ गया, अब ये फिर छोटा हो गया, किससे, 6 से। अब क्या करेंगे, अब 8 को भी यहाँ ले लेंगे,
8 को भी ले लेंगे, अभी 18 आया था ना, कितनी बार, 3 बार, तो ये 6 3 जा 18, देखिए 0 हो गया। इतना कुछ करने के बाद लास्ट में अंततः 0 हो गया, मतलब कि ये जीत गया, ये सब हार गए, 0 हो गया। लेकिन इनमें देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग तरह का है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, 13 का टेबल पढ़ना है, लगभग 0 आएगा इसमें भी, किसमें पढ़ना है, 13 में देखिए 2 डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है ना, तो इसमें हम जो भाग ले जाएंगे ये 3 डिजिट भले है लेकिन 2 ही डिजिट में ले जाएंगे अगर भाग जाएगा तो, और जाएगा भी, सिंपल सी बात है, जो 87 है वो इससे काफी बड़ा है, इसमें भाग जाएगा तो जाएगा, तो इसको बगल वाले की जरूरत नहीं है, ये अकेले इसका मुकाबला कर सकता है। तो क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा 87 में पढ़ना है, 13 का टेबल पढ़िए 87 से ज्यादा ना हो, कैसे, 13 1 जा 13 13 2 जा 26 13 3 जा 39, फिर 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, फिर 13 6 जा, फिर 7 जा कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, यानी कि 13 7 91। अब देखिए 91 ज्यादा हो जा रहा है, 87 कम पड़ जा रहा है ना, ये कम है ना, ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 6 78, यानी कि 13 6 जा 78, 6 बार जाएगा, अभी ध्यान दीजिए 6 बार जाएगा, 7 बार में काफी ज्यादा हो जा रहा है, 91। तो अब क्या करेंगे, सब्स्ट्रैक्ट कर लो भाई इसको, जो भी है फटाफट सब्स्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा, 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, अब आपको घटाना भी आना चाहिए, जिसको नहीं आता कमेंट करिएगा, हम आपको घटाना भी बताएंगे, बिल्कुल ये मिशन है कि कोई ऐसा ना हो जिसको गणित से डर लगे, गणित सबको आना चाहिए, इसलिए हमने कक्षा 1 से शुरू किया है, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की गणित, यानी 12th की गणित, इंटरमीडिएट तक की गणित आपको देंगे हम, ठीक है। चलें, अब 7 से नहीं सब्ट्रैक होगा, इधर से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 17, तो 17 से 8 गया कितना आएगा, 9, यानी कि 17 से 8 गया 9 आएगा, ये बचेगा 7, 7 से 7 गया कुछ नहीं 0। अब ये छोटा हो गया 9, ये बड़ा हो गया, तो क्या करेगा, ये अपने पड़ोसी को भी अपने साथ ले लेगा, जो बचा हुआ है 1 को, अब फिर से इसका टेबल पढ़ेंगे, अभी आपने देखा था 91 आ रहा था, ये देखिए हो गया, लेकिन कितना झिल्लाने के बाद हुआ ना, इसमें इसमें देखिए अंतर था ना, इसमें देखिए इसमें कुछ और अंतर होगा, 15 में देखिए 2 डिजिट है, तो इसमें अंदर में हम 2 डिजिट में भाग ले जाएंगे, 15 का भाग ले जाएंगे 93 यानी 93 में, बहुत आसान है, 15 6 90 है ना, 15 6 90, तो ये हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया, आप जानते हैं 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, ऐसे होता है ना, होता है ना, 93 इसमें किसके किसके बीच आएगा, इन दोनों के बीच 93 आएगा, नहीं आएगा, इन दोनों के बीच आएगा, नहीं आएगा, 93 इन दोनों के बीच आएगा, क्यों, 105 से कम है, 93 जो है 90 से ज्यादा है, तो दोनों के बीच में आएगा, तो ये तो संभव है नहीं, क्योंकि ज्यादा है 9, यही संभव हो सकता है, तो ये 90 कब आएगा, 6 बार पढ़ने पे आता है ना, इसलिए हमने ऊपर 6 लिखा या 90 लिखा। अब इसको घटा लो भाई सभी लोग फटाफट, ये 3 आ गया, बगल में जो 1 है उसको उतार लिए, अब आपको 15 का पहाड़ा ये पढ़ना है कि 31 से ज्यादा ना हो, अब आप ये देखिए इसमें 31 किसके किसके बीच आएगा, इन दोनों के बीच आएगा, नहीं आएगा, इन दोनों के बीच आएगा, जी बिल्कुल आएगा, 30 से ज्यादा है, 45 से कम है, तो कितनी बार में 30 आता है, 2 बार में, तो ऊपर आप क्या ले जाएंगे, 2, तो 15 2 जा 30, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बना गया, समझ में आया, नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन हमारी एक गुजारिश है आप लोगों से कि इस क्लास को लाइक अवश्य करें और क्लास खत्म होने के बाद अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। सुबह सुबह भोर में 5 बजे आपकी लाइव होती है, जीरो लेवल की, प्रत्येक दिन नहीं होती है, डेली नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे अभी तक होती थी, लेकिन फरवरी से मंडे टू सैटरडे होने लगी है, यानी कि संडे के दिन नहीं होती, बाकी आपकी 6 दिन लाइव होती है, सुबह 5 बजे से आप हमसे जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। गणित सिखाने की पूरी 100% गारंटी के साथ हम आपके सामने आते हैं, लेकिन उसमें कुछ नियम और शर्तें होती हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तब आप गणित सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच बोल सकते हैं। आज की क्लास जो है वो यहीं पर हो खत्म होती है, अगली क्लास फिर से मिलेगी एक नई उम्मीद और एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करके जाइएगा,
और नीचे लाइक की बटन बनी है, बिना कोई पैसा दिए लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल आपके फायदे के लिए है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। बगल में सब्सक्राइब के बाद एक बेल की बटन आएगी जिसे घंटी बोलते हैं लोग, भाई घंटी को बजाना ना भूलें। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं उसी के बारे में, आप उस पर क्लिक करेंगे तो घंटी बजेगी तो नहीं, लेकिन उसमें ऐसे बन जाएगा, इसका मतलब वो बज गई। फिर आपको जो भी लाइव होगी या वीडियो अपलोड किया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मैं राजकुमार दुबंसी फिर से मिलूंगा आपकी अगली क्लास और आपकी अगली उम्मीद के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, इस क्लास को शेयर करके जाइएगा और PBR स्टडी को अपने दोस्तों में सभी से बताएं।